ज्यादा लड़कियों में मत घुस घुस करना। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माई ब्लॉग। और यार आज ना बहुत ज़्यादा गला खराब लग रहा है और गंदी सी शक्ल लग रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं व्लॉग क्यों कर रही हूँ, पर व्लॉग तो करना चाहिए, डेली कर रही हूँ मैं। आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहेगा, आई नो एक ना एक दिन तो हम लोग 1 मिलियन तक ज़रूर पहुँच ही जाएंगे और गोल्डन बटन लेकर ही आएंगे। जब सिल्वर बटन भी जल्दी आ सकता है तो गोल्डन बटन भी आप लोगों के हाथ में है, फटाफट से दिलवा दो यार। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए ज़रूर। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, मैं सुबह एडिटिंग में ही लगी थी सारे, मतलब अभी आज का कल वाला ब्लॉग जो है एडिट नहीं हुआ वो होने वाला है और वो 2 बजे आ जाएगा। तो रोज़ डेली आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएंगे 2 बजे, तो डेली देखिए और कुछ ना कुछ अच्छे सजेशंस दीजिए कि अब आपको और क्या देखना है हमारे चैनल में, क्या क्या जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में, कमेंट्स करिए, कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ सारे और हो सकता है मैं मतलब जितना होता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ सबको। तो चलो आज दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अभी तक चाय नहीं पी, सुबह सुबह एक एप्पल खाया क्योंकि मैं एडिटिंग में लगी हुई थी और काम काज सब हो चुके हैं, घर साफ़ सुथरा हो चुका है, आंटी करके गई हैं। मैंने एक्चुअली आंटी अभी रख ली है काम के लिए क्योंकि पहले नहीं थी, पहले तो मैं खुद ही करती थी काम, तो अभी मैंने रख ली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ध्यान अपना लगाऊँ यूट्यूब पे और तनिष्का फिर आ जाती है, फिर तनिष्का पे ध्यान चला जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिल से जुड़ी रहूँ यूट्यूब से और दिल से आप लोगों को जो है कंटेंट देती रहूं। तो चलिए बराबर से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। खाने में है तरी वाले आलू, अभी बन रहे हैं, बने नहीं, और राइस है तो ये बना रही हूं मैं आज का दिन। और अभी बैठूंगी मैं एडिटिंग पे। आज खाना आपसे मैं सोच रही हूँ यार जल्दी खाना शुरू करूं ताकि जो है ना मेरी हेल्थ थोड़ा सही रहने लग जाए और पेट भी अंदर हो जाए जो निकला हुआ है। तो भैया ये बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तनु आ गई है स्कूल से, है ना? हाँ। बोलो हेलो। हेलो। क्या ये कौन है, किनसे बात कर रही हो आप? गाइस से। गाइस से बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। पता नहीं क्यों यार सर बहुत मेरा ना दुखे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार लगता है ये ना रिश्तेदार जो है ना बड़ा गौर से देखते हैं मेरा ब्लॉग और बड़ी सारी जो है ना मतलब वो होता है ना नज़र लगा देते हैं, और अचानक से मतलब जैसे ही व्लॉग डाला मैंने और मेरा सर दुखने चालू हो गया यार व्लॉग डालने के बाद। अभी चाय लग रही है मुझे, पता है इतना सर दुख रहा है, मतलब इतनी नज़र मत लगाओ, अभी मैंने करोड़ों नहीं कमाए, जब कमाऊँगी तब भी नज़र मत लगाना। तो यार लाखों भी नहीं कमाए, अभी तो कमाया ही नहीं है मैंने यूट्यूब से, इतना क्यों जल रहे हो यार, शॉर्ट्स में पैसे नहीं मिलते इतने, अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मिलेंगे तो तुमको पता है मैं अकेले खाने वालों में से नहीं हूँ। पर छोड़ो यार, आज का दिन क्या है मैं बता देती हूँ। सुनील जा रहा है आज अपने ऑफिस की पार्टी में, तो मुझे अकेले ही जिम जाना है। अकेले क्या, काजल शायद चलेगी मेरे साथ, मेरी सिस्टर, तो काजल और मैं जिम जा रहे हैं। सुनील जाएगा आज अपनी पार्टी में ऑफिस की, तो पहले वो जा रहा है सैलून, वहाँ से पता नहीं उसको क्या ही करवाना है, तो आकर चेंज वेंज करेगा घर पे और जाएगा पार्टी में। अगर उसने थोड़ी क्लिप्स ली पार्टी की तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी व्लॉग में। और आप देखो, पता है मैं व्लॉग लेती हूँ और ये मेरा पंखा आवाज़ करने लग जाता है यार। ले तेरे को ले लिया, कैमरामैन फोकस करो, फोकस कैमरामैन, जल्दी फोकस करो। ले कर लिया, हो गया चुप, इसको बड़ी चुल्लू मचती है पता है, चुप ही हो गया देखो अब। क्या यार मकड़ी वकड़ी तो नहीं, मकड़ी नहीं है कुछ और, ये धागा है, इसको बहुत चुलमचती पता है। जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो एकदम से शोर करने चालू हो जाता है, या तो तनिष्का या तो ये बीच में। तनिष्का का समझ में आता है, बच्ची इंसान है, पर इसको क्या है, नॉन लिविंग थिंग में भी वो है आजकल के, इसको भी सोशल मीडिया पे छाना है। बताओ यार क्या ही कर सकते हैं आजकल। आज मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका है, पता नहीं मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरा बहुत सर दुख रहा है यार। लेट्स प्रे फॉर मी के लोग जो मुझे बुरी नज़रें लगा रहे हैं उनसे जो है थोड़ी सी नज़रें ना लगे उनकी मुझे। मैं रेडी हो गई थी जिम के लिए, बट सुनील आ गए हैं कि घर पे करते हैं एक्सरसाइज, उसको जाना है आज पार्टी में, ऑफिस की पार्टी में। शाम में ऑफिस तो आप कतई नहीं जाओ, कभी बुला भी ले तो आपको जाऊंगा, इतना शरीफ तो है ही। काम हो तो ओहो, एक्सरसाइज घर पे ही कर रहे हैं, देख लो 50-60 मिनट उसमें कांच में आप खुद को, फिर कर लेते हैं नाचना।
बोलते तो बेना अभी रेडी हो गया ना, इतने शौकिया मारेगा ना शौकिया। जिस दिन मैं ऐसे भूतनी लग रही हूँ ना घर बैठ के, ये तैयार होके जाएगा। शौकिया तो बनती हैं इसकी, देखना जरा। जूते हाथ में ले लेके घूमता रहेगा अब। देसी पॉलिश। अपना काम स्वयं करते हैं, 10 रुपए बचाओ पॉलिश के। ये अपना रुमाल, साफ सुथरा रुमाल लेकर आ गए धुले हुए कपड़ों से। मेरा कपड़ा कब धोऊंगा, ये होते हैं पति जिनको कदर नहीं होती है बीवियों के काम की। घर में सब साफ सुथरा करके रखे इनके लिए, अब ये मुंह पे लगाओगे? नहीं, अब मैं धोऊंगी नहीं ये वाला आपका रुमाल। दान कर देना। ज्यादा लड़कियों में मत घुस घुस करना। I'm joking. मैं लड़के को सोच नहीं करता, लड़के मेरे को घुस घुस। ओहो, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ज्यादा हो गया। अब आपका पति स्मार्ट तो क्या कर सकते हैं। जाना है कि नहीं जाना है पार्टी? जाना है तो मखाना जी कर रहे। क्या करोगे पार्टी में जाके? खाना खा के आ जाएंगे। कौन सा? बस खाना खा के ही आना, कुछ और मत खा के आ जाना। यार सुनील गए हैं पार्टी में, तनिष्का गई है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, और आई एम अलोन एट होम। और ये प्रेस पड़े, सोच रही हूँ ये कर लेती हूँ काम वाम फिनिश करके, तो काम पहले पूरा कर लेती हूँ। मेरे को सुसु आ रही है बैठे क्या थी। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं है। तन्नु ऊपर आ गई फिर आप। हाँ, और किसी को बोल दिया कि मुझे घर पे छोड़ दो, और बोल रही थी पहले आप ट्यूशन पढ़ने आती थी ना हमारे वो मैम। हाँ, वो याद है मुझे, और उनने कलर भी दिया था पेंटिंग को वाले। मम्मा बोर हो रही थी पता है आपके बिना, मेरे को याद आ रही थी आपकी, चला के आई साइकिल। हाँ। वापस अंदर पार्किंग में रख के आई। हाँ, थोड़ी सी चला के आई। और किसने चलाई? फ्रेंड्स को दे दी चलाने के लिए? नहीं दी, बस मैंने ही चलाई और किसी को नहीं दी। बॉटल लेके आई अपनी पानी की? पानी की बॉटल ही ले गई। लेके नहीं गई थी पिछली बार जो रह गई थी आपके फ्रेंड के घर पे? भूल गई। अरे यार कल ले आना। ओके, खेलूंगी जब खेलूंगी। हाँ, खुजली हो रही है क्या? नहीं। पसीना आ गया होगा ना, नीचे गई खेल खेल के आई हो तो। ठीक है, नहीं खुजली हो। चलो थोड़ी देर लेटो, अभी थक गई हो ना। तो यहाँ सुनील गए थे अपने ऑफिस के पूरे पार्टी में, और यहाँ पर पूरा उनका स्टाफ भी है साथ में, बहुत इन्जॉय करके आए थे वो। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ क्लिप्स अगर वो लेकर आते हैं तो मैं लास्ट में जो है ऐड कर दूंगी कुछ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पार्टी रही इनकी, बहुत इन्जॉय करके आए थे सुनील मेरे बिना। कोई सोच सकता है कितना मज़ा आता होगा लड़कों को बिना वाइफ्स के जाने में? यार ऑफिस वालों को भी बीवियों के साथ बुलाना चाहिए ना यार, दैट्स नॉट फेयर ना। देखो ये सब मुझे लग रहे हैं, ये सब सर जो हैं ये सब अकेले आए हुए हैं तभी इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब लड़कियां कितना परेशान, मतलब बीवियां कितना शायद परेशान कर देती हैं। तो एनीवेज दे आर एंजॉय अ लॉट, और गॉड ब्लेस देम, ऐसे ही इंजॉय करते रहें हमेशा, लेकिन बीवियों के साथ भी इंजॉय। वैसे सुनील करते हैं बीवियों के साथ इंजॉय भी, और ये उनका पूरा साथ में जो ये पूरा क्रू है जो काम करते हैं साथ में मिलके, इनके कलीग्स हैं सब, सो दे आर ऑल गुड, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और आप देख सकते हैं।
सो दैट्स इट. सो आज के व्लॉग में यही था, और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नई मस्ती के साथ. तब तक के लिए खूब सारा प्यार, लव यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए. आपके कमेंट्स से जो है हमें बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा लगता है और जो है वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको यार, अब वो बोलना याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं, मतलब मिलती है हमको कि हम और व्लॉग्स बनाएं. तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार.